पुलिसिंग ये नहीं है, ना तो ये शासन है, ये डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप बहुत दिनों तक चलती नहीं है। भारत बंद आह्वान किया गया है, ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह ही यही है कि डिक्टेटरशिप जहां जहां चलेगी जनता सड़क पे आएगी। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सरकार और भारत की जनता के बीच का एक सेतु हूं। जिस तरह से जाति के बिना भारत की राजनीति अधूरी है, वैसे ही संविधान के बिना एक भारतीय के अंदर का संस्कार अधूरा है। यदि जाति को भारत की राजनीति से निकाल दिया जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम वोट किसको दें, हमें काम पर वोट देना है तो किसको वोट देने जाएं। वैसे ही यदि आप सोचो कि भारत के अंदर से संविधान हट जाए तो इस देश का क्या होगा, यदि लोग संविधान का पालन करना छोड़ दें तो इस देश का क्या होगा। जेएनयू में हुई घटना काफी निंदनीय है। रविवार को जिस तरह से 100 से ज्यादा की संख्या में छात्र कैंपस में घुसते हैं और छात्रों को पीटना शुरू कर देते हैं, उनको लहूलुहान कर देते हैं, वो घटना काफी निंदनीय है। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। यदि आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं और हिंसा को समर्थन देते हैं तो यानी आप देश हित में बातें नहीं कर रहे हैं। अगर देश ऐसे ही चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब अगला नंबर हमारा या आपका होगा। जेएनयू में हुई ये हिंसात्मक घटना में कई सारे छात्र घायल हुए, उसमें कुछ छात्र एबीवीपी के भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कई सारे छात्र वो छात्र हैं जो कुछ दिन पहले तक नागरिकता कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर नजर आए थे। कई सारे छात्र वो छात्र हैं जो जामिया यूनिवर्सिटी में हुई घटना का समर्थन करते हुए नजर आए थे। कहा जाता है कि अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं या किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो सबसे पहले खुद को आईने में देख लीजिए। यदि कोई नेता ये कहता है कि छात्र राजनीति से दूर रहें तो उन नेताओं को, उन पार्टियों को सबसे पहले अपने स्टूडेंट विंग्स यानी अपने छात्र नेताओं या छात्र संगठन को समाप्त करना चाहिए। बहुत सारे संगठन सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम भी निकले और हमने भी बहुत सारे संगठन को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा। उनकी मांग थी कि सरकार लेबर हित में काम करे, सरकार रोजगार बढ़ाए, लेकिन जो संगठन भारतीय मजदूर संघ है उसने इन सब का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं और हम नागरिकता कानून का विरोध नहीं करेंगे। बात संविधान की है, बात बहके हुए जनमानस के मानसिक स्वच्छता की है। देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जेएनयू की घटना घटी और अब बहुत सारे संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं भारत बंद करने के लिए। खैर, राजनीति चर्चाओं का राजधानी दिल्ली है केंद्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है स्पेशल रिपोर्ट। कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। ऐसे कौन से सवाल है जिसका समाधान देश की सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, ये जो सरकार हमारी आई थी वो विकास के नाम पे आई थी। वो इस नाम पे आई थी कि हम चाइना को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और देश से महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे। जिन जिन मुद्दों पे, जिन जिन एजेंडों पे सरकार को वोट दिया गया था, उन सारे एजेंडों से सरकार बहुत दूर हो गई है। इन्होंने कहा था कि हम जीडीपी को बहुत ऊपर लेके जाने वाले हैं। जीडीपी का हाल आप जान ही रहे हैं, कहां पहुंच गई है। अभी तक तो शायद अभी तक के इतिहास में इतना बुरा हाल कभी देश का नहीं था। जीडीपी का 4.0 और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का जो किसान है, जो आम देशवासी हैं, उनको रोजगार की जरूरत है। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार चाहिए, जो किसान हैं उनको अपना हक चाहिए जीने का, अपना जो सिस्टम है
वो चाहिए, उनको कर्जा जो है जो उन्होंने ले रखा है उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह माफी चाहिए उनको, लेकिन जो इस समय जो सरकार है वो सारे एजेंडे से दूर हटके नई नई चीजें लेकर के आ रही है। जैसे अभी इन्होंने जो है 370 ले आए, कश्मीर की आबादी कई करोड़ में है जी। और वहां के हालात आप जान ही रहे हैं जी। वहां पे पर्यटन बहुत अच्छी तेजी से तरक्की कर रहा था जी। वो पर्यटन वहां का बिल्कुल बैठ गया जी। और वहां कोई डर के मारे जाने को तैयार नहीं है जी। उन करोड़ों, वो भी तो हमारे देश के ही वासी हैं बिल्कुल। आपने ऐसा कानून बनाया कि वहां पे करोड़ों की आपको कई लाख फोर्स वहां लगानी पड़ी और लोग बेचारे परेशान हैं, जीने खाने के लिए परेशान हैं जी। ऐसे ही अभी आपने CAA और NRC आपने लागू कर दिया जी। आपने लागू किया पहले इसको वहां क्या बोलते हैं आसाम में, और ये सोच और 5 लाख के आसपास इसमें मुसलमान, तो 15 लाख के आसपास हिंदू इसमें वो इन्वॉल्व हो गए। लोग परेशान हुए, लोगों ने अपने दस्तावेज दिए, यहाँ तक कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति थे जी। उनका बेटा इसमें से जो है साबित नहीं कर पा रहा है कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। एक 35 साल एक फौजी हैं, उन्होंने 35 साल नौकरी किया है वायुसेना में, वो भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस देश के रहने वाले हैं जी। तो इन्होंने अपने सारे मुद्दे को जी। मतलब ये आए तो इन्होंने जो विकास का मुद्दा था उसको एक तरफ कर दिया, और गोलवरकर, सावरकर और आपके गोडसे, इन लोगों का जो मुद्दा था उसको इनको देश मतलब पे लागू करना है। हम ये समझे आपकी बातों से कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, देश की बेरोजगारी दूर नहीं कर रही है, बल्कि देश में कुछ ऐसे कानून ला रही है जिसकी जरूरत शायद देश को नहीं है। हाँ, कानून देश को, देखिए इनको इससे मतलब नहीं है कि देश कहाँ जाने वाला है। देखिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं, अंबानी साहब की जो वो है जो GDP है वो 1.25 लाख करोड़ रुपया इंक्रीज कर गई, और हमारी GDP हमारे देश की GDP 8 से 4 पे आ गई जी। और उनके जो दो चार चहीते जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, उन लोगों की GDP ऊपर चली जा रही है और हमारे देश की GDP नीचे चली जा रही है जी। इसका मतलब है कि आप देश के देश प्रेमी नहीं है, आप अपने लोगों के प्रेमी हैं, आप अपनी विचारधारा के प्रेमी हैं। अब आप संविधान पे चोट किए जा रहे हैं जी। आप धारा संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पे, धर्म के आधार पर आप कोई भी वो नहीं कर सकते जी। तो अब इन्होंने क्या किया, अभी NRC और CAA ले आए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि बाहर के जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम लाएंगे और मुसलमान वो नहीं होना चाहिए जी। तो ये धारा 14 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है संविधान के। तो ये इनका सीधे सीधे पॉलिसी ये है कि इस देश को मनु स्मृति के आधार पे हम चलाएं, और मनु स्मृति जब आ जाएगी तो जो भी दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, बैकवर्ड पिछड़े हैं, उन लोगों का जो है जगह दूसरी हो जाएगी जी। और जो मनु स्मृति कहती है उसी आधार पे इस देश को ये चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में आज भी हमारे सेक्युलर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और संविधान से मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। तो हम लोग इस काले कानून का, जो NRC और CAA है, इस काले कानून के लिए हम सारे लोग जो सेक्युलर हिंदू हैं वो जान रहे हैं कि इस देश को गर्त में ले जाने की जो साजिश रची जा रही है उससे बचाने के लिए सारे लोग एकजुट हैं, जिसमें चंद्रशेखर, भीम आदमी के चंद्रशेखर आजाद हैं, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, और आपके मीडिया के रविश कुमार जी हैं, जो मैग्सेसे पुरस्कार जो बिके नहीं, उनको कोई खरीद नहीं पाया है जी, जी। और ऐसे ही जो है आपके बहुत सारे जजेज हैं, और बहुत सारे वकील हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, मुसलमानों से ज्यादा इस देश को हिंदू जो इनकी जो पॉलिसी है उसको समझ पा रहा है, क्योंकि हिंदू इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जो है स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जब आप इनकी NRC और CAA को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये देश विरोधी कानून है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये कहा कि इस कानून से देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, वो कहते कुछ है करते कुछ है। उन्हीं की बात को देखिए, उनके PM
हमारे हम लोगों के पीएम मोदी जी ने कहा कि कौन कहता है कि एनआरसी और एनए लागू हो गया है और कहीं डिटेंशन कैंप हो तो बताइए, जबकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कई जगह डिटेंशन कैंप बन रहे हैं, बाकायदा सरकार से बजट उसका पास हुआ है। तो ये तो झूठ बोलते हैं ना ये लोग, ये लफाज है ये। अच्छा। जैसे 15 लाख का वादा करेंगे दे नहीं पाएंगे, बाद में कर देंगे ये तो लफाजी थी, ऐसे ही ये इसको भी कह रहे हैं कि इससे किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अपनी आइडियोलॉजी जो गोलवलकर और सावरकर की जो मनुस्मृति है उसको लागू करने का पहला कदम है, संविधान विरोधी है ये। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो अभी संगठन जो सड़क पे उतरे हैं वो भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया है, बेसिकली उनकी डिमांड क्या है? देखिए अचानक अचानक इस देश में देखिएगा, इधर कुछ जब से ये सीए और एनआरसी लागू हुई है उसके बाद से आप देखेंगे तो अचानक जो है लोगों के मन में इतना डर भय बैठ चुका है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, इनको ये सब लोगों को बड़ा डर बैठ गया है कि ये सरकार जो है ये हमारी हितैषी नहीं है, इनकी पॉलिसीज का विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो एक दिन ये हमको भी बेच देगी। तो इसी वजह से सारे लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से लोग आकर के सरकार के नीतियों की खिलाफत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हमको लगता है कि पूरे देश को इस समय पूरे देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एकजुट होकर के इस सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए एकजुट होकर सड़क पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सरकार रही तो ये देश को विखंडित होने से, बर्बाद होने से, इकोनॉमिकल तौर पे भी और हर जगह से इसको नुकसान ही ये सरकार अभी तक पहुंचाई है 6-7 सालों में। तो ये हम अपील करते हैं कि सभी लोगों को इसमें एकजुट होना चाहिए। लगातार चल रही घटनाओं में एक बहुत बड़ी घटना घटी जेएनयू की, जेएनयू में बहुत सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग अंदर घुसते हैं और छात्रों से मारपीट करते हैं, और उसमें ज्यादातर छात्र वो होते हैं जो लेफ्ट के हैं, वो छात्र हैं जिन्होंने पहले नागरिकता कानून का विरोध किया था, उन छात्रों को ज्यादा चोटें पहुंची हैं। कुछ छात्र एबीवीपी के भी हैं, लेकिन सारा आरोप एबीवीपी पे लगाया जा रहा है और एबीवीपी सारा आरोप लेफ्ट पे लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसके पहले जामिया में भी घटनाएं घटी, स्मृति ईरानी कहती हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्मृति ईरानी जी तो कितनी बड़ी पॉलिटिकल है सभी लोग जानते हैं, और वो तो टीवी पे एक्टिंग करती थी जी। एक्टिंग करते करते पता नहीं किसकी कृपा दृष्टि हो गई, वो कहां से कहां पहुंच गई, वो क्या जानेंगी कि राजनीति क्या होती है। राजनीति में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और राजनीति में राजनीति शास्त्र जो पढ़ाया जाता है उसको भी बंद कर दे वो जी, उसको भी बंद कर दे जी। भाई राजनीति एक शास्त्र है और प्रैक्टिकल इसका जो होता है वो कॉलेज में ही होता है, कैंपस में ही होता है जी। तो राजनीति में छात्रों को आना चाहिए, लेकिन लेकिन अब जैसे एबीपी वाले जो गुंडे हैं वैसी राजनीति नहीं करनी चाहिए छात्रों को। छात्रों को अपनी बात को जैसे कन्हैया कुमार कह रहे हैं, अभी जो घोष हैं ये कह रही हैं, इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये लाठी खाई है अपने सर पे और खून बहाया है इन्होंने और फिर उसके बाद धरने पे बैठी हैं जी। तो ऐसी राजनीति का स्वागत होना चाहिए जी। लेकिन अब उसमें मारपीट गुंडई और इस तरह के जो लोग कर रहे हो एबीवीपी जैसे लोग जो छात्र संगठन है इसको 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 बैन करना चाहिए पहले स्मृति ईरानी जी को। जब जेएनयू में घटना घटी तो उस समय पुलिस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि पुलिस की लापरवाही से ये घटना घटी है, और जामिया में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी और वो कुछ लोग जो हैं पुलिस वाले जो हैं कहा जाता है कि जामिया यूनिवर्सिटी के गए अंदर गए और वो लाइब्रेरी के अंदर गए, वहां पे छात्रों को उन्होंने प्रताड़ित किया, बाहर निकाला, ऐसे आरोप लगे। वैसा कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ, आरोप लगे, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो सीधा कुर्की करने तक के आदेश दे दिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुलिस का क्या रोल रहा है इस देश में, पुलिस बल तो एक ही है लेकिन जिस स्टेट में भाजपा की का शासन है जी, वहां पे प्रोटेस्ट हिंसक हुआ जी, हिंसक हो गया। कैसे हिंसक हो गया? और जहां पे
भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे एक जो है ईटा भी नहीं चला, एक पत्थर भी नहीं चला। सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज यूपी में हुई, जबकि यूपी में हिंसक को हिंसक तो होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे 22 शहरों में प्रोटेस्ट हिंसक हुआ, जिसमें बाकायदा पुलिस ने पहले पुलिस का काम ये होना चाहिए कि फव्वारे से पानी के बौछार से हटा दे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ पे पुलिस अगर प्रोटेस्ट आप कोई भीड़ आ रही है, इन्होंने पहले लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज करने के बाद उठा करके बंद किया, रासुका तक लगाया गया, फिर रात में मोहल्लों में घुस के लोगों के घर में औरतों को बच्चों के को परेशान किया गया, घरों से गिरफ्तारियां की गई। ये पुलिसिंग नहीं है ना, पुलिसिंग का तो मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई नाराज है तो उससे बात हो, उसका वो ज्ञापन देने निकला है उसका ज्ञापन ले लीजिए और उससे कहिए कि भाई आप लोग जाओ कहीं बैठ जाओ, धरना प्रदर्शन कर लो, ये तो हमारा राइट है ना। अब आप कहते हो कि धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 का उल्लंघन तो होगा ही ना, जब आप किसी को ये बताने को तैयार ही नहीं है कि ये जो कानून आया है इससे आपका नुकसान नहीं है, आप पहले समझाओ। आपने तो सीधे ऐलान कर दिया कि एनआरसी और सीए लागू हो गया, फला 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 इसमें रहेंगे और फला फला इसमें नहीं रहेंगे। इतना कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया कि हिंदू मुसलमान छात्र किसान दलित सारे लोग रोड पे आ गए और आप उनको लाठियों से पीट रहे हैं, उसके बाद आप रासुका लगा रहे हैं, और अगर कहीं कोई जो है मोटरसाइकिल में आग लग गई, किसने लगाया, आपने जो है कहा कि जिसकी फोटो आ गई कैमरे में हम उससे वसूली करेंगे। पुलिसिंग ये नहीं है ना, तो ये शासन है, ये डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप बहुत दिनों तक चलती नहीं है। इसीलिए जो आज जो आपने ये सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद आह्वान किया गया है, ये ऐसा क्यों है, उसकी वजह ही यही है कि डिक्टेटरशिप जहां जहां चलेगी जनता सड़क पे आएगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इस देश में जब आजादी नहीं हुई थी मिली थी तो अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तो मुसलमानों ने दिल्ली से लेकर के पेशावर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे मुसलमानों की लाशें नहीं लटकी थी। 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को एक ही दिन में अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया था। और क्या वो, लेकिन क्या वो रह पाए इस मुल्क में? नहीं रह पाए। देखिए हम मेरा नाम अहमद जमाल है, मेरे वालिद सन 1971 में वो आरपीएसएफ के उसमें जंग लड़ने गए थे आसाम में, और मेरे दादा थे शहीद जुनैद आलम, जो उन्होंने सन 1942 में नंदगंज रेलवे स्टेशन पे अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हुए सीने पे गोली खाए थे और शहीद हुए थे, और उनका बाकायदा जो मैरटायरस ऑफ इंडिया में की जो लिस्ट है, जो शहीदों की जो लिस्ट है उसमें बाकायदा उनका नाम भी है। तो हम लोगों को, चाहे मुसलमान हों या हिंदू हों, दोनों लोगों ने इस शहादत से इस देश को आजाद कराया, और इसलिए नहीं आजाद कराया था कि आप जो है सबसे, आप कहिए कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, आपको चुन दिया हमने, वोट दे दिया आपको, अब आप हमसे कहो कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं इसका सर्टिफिकेट दो, तो किससे किससे आप मांगोगे और किसको किसको आप बाहर भगाओगे? तो ये जो आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया ना, ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, और इसके ये सरकार बहुत दिन अब चलने वाली नहीं है, एक जन आक्रोश है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और आम जनता की तरफ से कह लें, या आप लोग कह रहे हैं नकाबपोश गुंडे थे जो जामिया में गए, तो जिस तरह से हिंसा के कदम उठाए जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड चल रहा है और कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अगला नंबर किसका है, अगर देश की स्थितियां ऐसी ही रही और पुलिस कानून ऐसा ही रहा कि नकाबपोश लोगों द्वारा हमला करने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अगला नंबर किसका है? देखिए बहुत अफसोस की बात है कि जिसका सर फूटा, जिसको जिसके छात्रावास में कमरे में घुस के जिसको सर पे लाठियों से मारा गया और 50-60-70 की तादाद में गुंडे अंदर गए, उन गुंडों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, आज का अखबार बता रहा है। और जिस बच्ची का, यानी जो छात्र संघ अध्यक्ष थी घोष, उनके खिलाफ 2 FIR हो चुकी है। तो अब नंबर किसका ये मत देखिए,
कितनों को मारिएगा आप, एक मारिएगा, एक घोष को मारिएगा कोई दूसरी घोष पैदा होगी, एक कन्हैया कुमार को मारिएगा दूसरा कन्हैया कुमार पैदा होगा, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आप मारिएगा कोई दूसरा अखिलेश यादव पैदा होगा, अहमद जमाल को मारिएगा 1,00,000 अहमद जमाल पैदा होंगे। अब उनके बस का नहीं है, अब इनको जाना तय है, ये जनता अब इनको बख्शने वाली नहीं है। इन्होंने कम्युनल करने की कोशिश किया था इस माहौल को, लेकिन अब ये माहौल कम्युनल नहीं है। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस वक्त इस सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, व्यापारी इनके खिलाफ, किसान इनके खिलाफ, मजदूर इनके खिलाफ, जितनी भी सरकारी नौकरियों वाले लोग हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी विभाग हो, देख लीजिए सब हड़ताल पे हैं, कोई इनसे खुश नहीं है। तो अब इनको जाना तय है, नंबर अब इस बार भाजपा का है, इन्हीं को जाना है। हाँ, ये बात के चलिए। हिंसा कर रहे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये देश हमारा है, इस देश की एक एक प्रॉपर्टी हमारी है और इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी हमारा है। हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन गांधीवादी तरीके से, पटेल के नक्शे कदम पर चलते हुए। हमें मौलाना कलाम आजाद के नक्शे कदम पर चलना है। हमें जो है प्रोटेस्ट करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। हमें अपने सर पे लाठी खाना होगा, और सर पे लाठी खाने के बाद भी, अपनी पीठ पे लाठी खाने के बाद भी, हमें सरकारी कोई भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं है। हमें सड़क जाम करनी नहीं है इस तरीके से कि किसी को आने जाने वालों को कोई दिक्कत हो। शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पार्क में या धरने का जो जगह हो वहां बैठें, और वहां बैठ करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाएगा एनआरसी और एनए, और ये जब तक भाजपा की सरकार खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये चलेगा। अब ये किसी के बस का नहीं। और इसमें एक चीज जान लीजिए, कोई नेता नहीं है। ये मत सोचिए कि ये जितने प्रोटेस्ट हुए हैं ये ऑर्गेनाइज है। ये सारे प्रोटेस्ट जनता ने खुद अपने बूते निकाला है, और जब जनता खुद निकल गई सड़क पे तो उसको कौन रोक सकता है। तो ये 100% मान के आपका कहने का मतलब कि इन प्रोटेस्ट में राजनीतिकरण नहीं है। राजनीतिकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनता बिल्कुल परेशान है, उसको जब मौका मिल रहा है बस फौरन सड़क पे आ जा रही है और लाठी खाने को तैयार है। उसमें गलती कहां हो रही है? ये जो हिंसक हो रही है, जो घटनाएं ना, ये कहीं ना कहीं उकसावेपूर्ण घटनाएं हैं। कहीं कहीं प्रशासन भी उकसावे पे आकर के अपने को जो है अपने शासन की निगाह में अच्छा बनने के लिए कहीं कहीं ऐसा कुछ कर दे रहा है जिससे कि उसको शाबाशी ऊपर से मिले कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो ये कहीं पर भी जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो बड़े ही कल्चर्ड हैं और बहुत ही सिस्टम से चल रहे हैं। अगर उनको पुलिस छेड़े ना तो ये कुछ भी कोई भी एक ईटा ना चले, ये आप मान के चलिए, ये स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। आप हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, अपने सोच से, अपने समझ से उस समस्या का समाधान निकालें। आप देखते रहें एबीटी न्यूज़।